हेलो व्यूअर्स, रक्षाबंधन काफ़ी नज़दीक है और इस राखी अपने भाई को अपने हाथ का बना हुआ मूंग दाल हलवा खिलाइए। इस मूंग दाल हलवे में मैंने बिल्कुल भी कोई भी सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल ली है, उसको मैंने रात भर भिगो लिया है और फिर उसे मैंने बारीक पीस लिया है। आप कटोरी का नाप ध्यान रखिए क्योंकि हमें उसी कटोरी के नाप के हिसाब से चीनी और पानी भी लेना है। यहाँ मैंने एक कटोरी चीनी ली है, दो कटोरी पानी, एक कटोरी घी, घी ज़्यादा और कम हो सकता है, एक चम्मच इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले हम पैन में आधा कटोरी घी डालेंगे, आधा कटोरी घी हमने अलग रख लिया है। उसके बाद इसमें हम अपनी पिसी हुई दाल डालेंगे। हमें इसे बहुत तेज़ गैस पे नहीं रखना है, इसे हमें मंदी गैस पे ही भूनना है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है भूनते हुए, वरना ये नीचे लग सकता है और ये जल सकता है। इसे भूनने में आपको 15 से 20 मिनट आराम से लग सकते हैं। आप इसे लगातार चलाते रहिए और इसे अच्छे से भूनिए। अगर ये कच्चा रह गया तो हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अगर ये आपको सूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा घी और डाला है, इसमें लगभग आपको एक कटोरी घी लग जाता है। आप इसे भूनते रहिए, कुछ देर में ये चिपकना बंद हो जाएगा और फिर ये भुनना शुरू हो जाएगा। आप इसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाइए, नॉनस्टिक पैन में ये कम चिपकता है और इसको चलाना आसान हो जाता है। जब ये हल्का भुनने लग जाए तो इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसने हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया है, हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से घी ना छोड़ दे और एक सैंडी से टेक्सचर में ना आ जाए। अब इसने अच्छे से घी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये बिल्कुल एक सैंडी टेक्सचर में भी आ गया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, आप चीनी नाप के ही डालें इसमें, और इस फिर इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। साथ में इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ऊपर गार्निश के लिए बचा लिए हैं, ये ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड थे। अगर आप चाहें तो आप इन्हें स्टार्टिंग में फ्राई भी कर सकते हैं। हलवे को आप लगातार चलाते रहिए, इसे हमें तब तक चलाना है जब तक पानी अच्छे से सूख नहीं जाता और हलवा पैन नहीं छोड़ने लग जाता। हमारा हलवा अच्छे से भुन चुका है और इसने पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे हम 2 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे और इसमें बिल्कुल घी अलग होने लग जाएगा। हमारा हलवा एकदम तैयार है। इसे आप ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और इसे गरम गरम सर्व करें, ये सबको बहुत ही पसंद आता है। इसे आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस राखी अपने भाई के लिए ज़रूर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने रेसिपी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द बम्पाज़।